अरे देख के भाई देख के, संभाल के चलो यार, आदमी सीधा खड़ा दिखाई नहीं देता क्या भाई? गलियां यहाँ के काफी तंग हैं, गाड़ी कैसे घुमाते हो अंदर? क्या करें, अब आना है तो आना है भाई, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना। रिश्तेदारी? कैसी रिश्तेदारी यार? अरे वो अपने, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं बुरा काहे मान रहे हो भाई, हम तो ऐसे ही मतलब अब बातचीत करने के लिए। अरे भाई संभल के चलो यार, अरे भाई ऊपर ही चढ़ा दोगे क्या यार? अच्छा एक बात बताओ, सिगरेट पीते हो? अरे नहीं नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा करते हो यार, मैं भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मगर क्या सारी छूट नहीं पा रही है। छोड़ दो, कसम से फेफड़ा जल जाता है, पूरा का पूरा कलेजा खाक हो जाता है। चलो अच्छा करते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे साहब यहाँ से निकले थे भाई, मुझे उन्हें देख के ख्याल आया कि मैंने उनको शायद पहले कहीं देखा है। मेरे ख्याल से इनका नाम होना चाहिए वीपी सिंघानिया। अरे नहीं नहीं उनका नाम वाजपेयी है, कमल किशोर वाजपेयी। कमल किशोर वाजपेयी? हाँ। करोल बाग वाले? अरे नहीं यार, जीके में रहते हमारे साथ। अच्छा ग्रेटर कैलाश में? समधन जी आप प्लीज किसी चीज की भी चिंता मत कीजिए, आपके पास इतना बड़ा परिवार है। बेटे अब जल्दी से तुम अपना एग्जाम्स खत्म करो और कंपनी ज्वाइन कर लो। आई हैव अ लॉट टू टीच यू। जी अंकल। अंकल नहीं, अब डैड बोलने की आदत डाल लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वाजपेयी जी बेटा, आदमी जब अपनी बेटी देता है तब एक तरह से बेटा पा लेता है। वाजपेयी जी तुम्हारे पिता समान ही है। चलिए मैं चलता हूँ। इंदर मिठाई लेनी है कि नहीं? हाँ हाँ, हम मिठाई कहाँ छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना, मिठाई ले आ जल्दी से। तुम क्यों लाड टपका रही हो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। मैं चलता हूँ, बाय बाय। ओके बाय बाय जी बेटे। ओए इज द हग। जल्दी ला, सब खाएंगे ना। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारे साहब करते क्या? नहीं देखने में काफी बड़े लगते हैं भाई। इसमें लगने वाली कौन सी बात है भाई, हमारे साहब वाकई बहुत बड़े आदमी हैं। अरे न जाने कितनी ना फैक्ट्रियां हैं उनकी। जब इतना बता रहे हो यार तो ये भी बता दो भाई ऑफिस कहाँ है? अरे वो क्यों, तुम गलत मत समझो यार, वो क्या है कि हम कहीं काम करते थे, अब हम चले गए छुट्टी तो हमारी जगह पे दूसरा आदमी आ गया वहाँ पे, अब तो क्या बेरोजगार हो गए यार, तो नौकरी की तलाश है भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑफिस का, ऑफिस का पता बता दो यार। चलो ऑफिस का छोड़ो यार, घर का पता बता दो, मतलब यार जाके मैं मिल लूंगा यार, घर पे मेरा काम हो जाएगा भाई, समझा करो। अरे तो यार नंबर ही दे दो भाई, मैं फोन कर लूंगा यार, मैं फोन पे उनसे बात कर लूंगा मेरे काम के भाई, मतलब। अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गए भाई, अरे क्या करोगे नंबर लेके? अरे क्या करूंगा क्या, मतलब यार इतनी अच्छी चमचमाती सी कार है, इतने बड़े आदमी है, मतलब कहीं ना कहीं तो काम आएंगे यार। क्या कर रहे हो भाई, क्यों हाथ लगा रहे हो यार, हद हो गई। अरे जाओ यार, क्या बंदा है पीछे यार, छुई मुई थोड़ी ना, छूते ही मुरझा जाएगी, मतलब कमाल। अच्छा पैसे मैं दे दूंगा भाई, कहाँ कर, मतलब क्या है यार। लेकिन इस बार संजू और दीपक की एंगेजमेंट में धमाल करेंगे हम लोग। गुड आइडिया, मुझे प्लान्स बता दो, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। अरे आप तो हमारे होने वाले समधी, मतलब दोबारा होने वाले समधी जी हैं, आपको तो सीरियस होना पड़ेगा। How boring, no? जी आज जरा समधी जी से एक मीटिंग कर लेता हूँ। अंकल, अंकल नहीं बेटे, डैड। डैड अपना मोबाइल भूल गए। ओ यस, थैंक यू सो मच। बाय अंकल। ओहो बेटे, डैड, डी ए डी, डैड।
और एक और बात, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पिता नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। I shall always be like a father to you. और वैसे भी मुझे एक बेटे की जरूरत है। अरे वाह, दामाद ससुर में तो याराना हो गया लगता है। चलो मैं तुम्हें मिठाई दे देता हूँ। ये मिठाई इतनी सारी, घर में सब खाएंगे कि नहीं? थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बाय बाय। चलना, गाड़ी गई, अब क्या रेस लगाएगा गाड़ी के साथ? कमाल कर दिया बेटा तूने तो, जीते जी अपने असली बाप को मार दिया। बहुत बड़ा पाप लगेगा, गंगा नहाना पड़ेगा गंगा। मेजरमेंट के लिए यही साइज दे दूंगी। वाओ, ये ले मेरी बच्ची। ये क्या है? ससुर हूं तेरा, अपनी होने वाली बहू से पहली बार मिल रहा हूं तो क्या खाली हाथ मिलूंगा? इतना बेवकूफ हूं मैं? क्यों हर अच्छी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते? Why can't life be simple? Why? हेलो, क्या हुआ संजना? Are you okay? हाँ, क्यों? नहीं, वो तुम आज रोमांटिक मूड में नहीं हो ना। क्या हुआ? संजना, तुम्हारे पापा घर आए थे एंगेजमेंट की बात करने के लिए और तुमने उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की। वो मैं पूछने ही वाली थी, लेकिन तुम बोलने दोगे तब ना। अच्छा जल्दी बताओ क्या हुआ? संजना सब मान गए, तुम्हारे पापा अभी अभी घर से गए हैं, अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है। Really? Oh my God, really? Thank God. और तुम्हें पता है, माँ तो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग के बारे में भी सोचने लग गई है, मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी फिंगर का साइज क्या है। हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। दीपक, I'm so happy. हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, हमेशा साथ साथ, 24 hours together. संजना, अगर 24 hours तुम्हारे साथ रहूंगा तो काम कब करूंगा? Oh yeah, intelligent boy. अच्छा, नौकरी के लिए छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद सारा टाइम मेरा। और माँ को कब टाइम दूंगा? हाँ, अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम माँ के लिए भी। और फैमिली को? दीपक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।